पटका बारा रे यार सारी फोटो जो आने सो गए ओ पटका बारा तो कह नहीं होगे मैं जा मान सर आप रजिस्टर मान बोले दो तो हेमंत जी करो मेरा नाम हेमंत राजब्रज है। दो दिन पूर्व समुद्री में कार रेसिंग के दौरान एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई थी। वो निर्दोष थे, उनके लिए आज हम दुख की घड़ी में उनके साथ में हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं। जो हुआ है वो गलत हुआ है, पर इस मामले में जिला कलेक्टर और SP साहब को जिम्मेदार ठहराना गलत है। जल्दबाजी में मुख्यमंत्री जी ने या उन्होंने जल्दबाजी में जिला कलेक्टर साहब को APO कर दिया है, इसकी हम निंदा करते हैं और इनकी पूरी जांच करते। यदि ये दोषी है तो इनको APO करना था, पर निर्दोष को APO कर दिया है। बिल्कुल ये सीधा सवाल उठ जाता है कि राजनीतिक शिकार हुए हैं, उनको जल्दबाजी में इनको हटाया गया है। हमने बाड़मेर वासियों ने ज्ञापन के जरिए मांग की है कि इनको इस आदेश को बहाल किया जाए और यथावत रखा जाए। मेरा नाम गोपाल माली है, उत्तरले में घटनाक्रम जो कलेक्टर साहब APO हुए हैं उसके संबंध में हमने ज्ञापन दिया है आदरित जिला कलेक्टर साहब को कि जो समुद्री में घटना हुई थी इसकी उन्होंने जो रेसिंग करवा रहे थे उन्होंने ज्ञापन दिया था, कलेक्टर साहब से परमिशन ली थी कलेक्टर साहब ने और SP साहब ने, उन्होंने आदेश भी दिए थे SDM एंड तहसीलदार थाना अधिकारियों को, तो उन्होंने कुछ लापरवाही बरती तो उसकी जाँच सीधा कलेक्टर साहब को दी। तो कलेक्टर साहब ने जो किया था वो अच्छा ही किया था और वो बुरा हुआ तो उसकी जवाबदारी उनकी थाना क्षेत्र अधिकारी को होती है, ना कि कलेक्टर साहब। तो मेरी मांग यही है कि मैं राजस्थान सरकार से मांग करूंगा कि कलेक्टर साहब को वापस बहाल किया जाए और कुछ जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए उन्हीं पर कार्रवाई करे। इससे मैं जो थाना अधिकारी है, SDM है, तहसीलदार है, जिस क्षेत्र के उन्हीं के ऊपर कार्रवाई हो। कलेक्टर साहब ने उनको साफ बताया था कि यहाँ पे ऐसी रेसिंग होने वाली है, फिर भी उसके बाद ऐसी घटना होती है उसकी जवाबदारी उनके ऊपर होती है, ना कि कलेक्टर।